हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव MTR। ये है 2022 की न्यू अपडेटेड होंडा SP125 का ड्रम ब्रेक ब्लू कलर। ये 125 सीसी की इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। कंपनी ने इस बाइक में क्या क्या नए बदलाव किए हैं, माइलेज और टॉप स्पीड कितनी है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, अगर आप इसको फाइनेंस कराते हैं तो इसकी लोन EMI और डाउन पेमेंट कितनी आएगी, इसके ड्रम और डिस्क की ऑन रोड कीमत क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का वाइजर दिया गया है, जिसके नीचे में होंडा की आपको स्टिकर देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल के अपडेट की बात करें तो अब इस बाइक में आपको न्यू डिजाइन के डुअल टोन कलर के ग्राफिक्स यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। साइड में आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर। हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो ऊपर में आपको स्प्लिट LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। ऊपर में आपको लो बीम और नीचे में आपको हाई बीम का सेटअप देखने को मिल जाता है। 125 सीसी की ये जो एक ऐसी बाइक है जो आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक देती है। यहाँ पर आपको आगे वाला मडगार्ड मिलता है फुली फाइबर बॉडी के साथ, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट में सस्पेंशन यूज किए गए हैं और सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप देखने को मिलता है, जिससे आगे और पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं। एक्सल के ऊपर रबड़ की ग्रिप मिल जाती है। 80/118 के यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। 18 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील मिलते हैं। कंपनी ने इस बाइक में सबसे बड़ा जो बदलाव किया है वो है इसके स्टिकर में। अब इस बाइक में आपको न्यू डिजाइन के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके साइड में आपको होंडा का 3D में लोगो और नीचे आपको रेड कलर और ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर अच्छी तरह से मिल जाती है। फुली फाइबर बॉडी मिल जाती है, यहाँ भी आपको फाइबर मिलता है, यहाँ पर आपको मेटल बॉडी मिल जाती है। अब यहाँ से आप इसके ग्राफिक्स को देख सकते हैं, जो कि पहले वाले मॉडल से टोटली चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर आपको फाइबर मिल जाता है, नीचे भी आपको थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश के साथ फाइबर मिलता है। SP125 का स्टिकर मिल जाता है न्यू डिजाइन के ग्राफिक्स के साथ, यहाँ भी आपको फाइबर मिलता है। ESP का स्टिकर मिल जाता है, जैसा कि इसमें आपको ESP टेक्नोलॉजी मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट आपको इसके सीट काउल के ऊपर मिलता है। अब इसका जो सीट काउल है वो ब्लैक कलर में दिया गया है, जिसके ऊपर में आपको न्यू डिजाइन के ग्राफिक्स दिए गए। सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी कुशनी यहाँ पर आपको सीट मिल जाती है, जिसमें आपको 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है, जो लो हाइट वालों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल दी गई है। 11 लीटर का यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ होंडा की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर आपको की मिल जाती हैं। मीटर कंसोल की बात करें तो फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसके ऊपर में आपको इको इंडिकेटर मिलता है अच्छे माइलेज को दर्शाने के लिए। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट, चेक इंजन की लाइट और गियर न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको साइड स्टैंड की रिमाइंडर और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर और इसके साथ ही डिस्प्ले में आपको डिजिटल फ्यूल गॉज, स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है। इसके साथ ही ऊपर में आपको ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाता है और यहाँ पर टोटल किलोमीटर की रीडिंग दिखा रहा है। सबसे अच्छी बात के इस बाइक में आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर 50.2 किलोमीटर प्रति लीटर की रीडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर किलोमीटर की रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि पेट्रोल टैंक के अंदर में जितना भी पेट्रोल होता है उसके हिसाब से यहाँ पर रीडिंग दिखाता है। दोनों साइड में आपको सिलेक्ट और मोड के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंजन फिल का स्विच मिलता है। आपको इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और रेगुलर यहाँ पर आपको मिरर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको अपर डिपर के साथ इसी बटन में आपको पासिंग इंडिकेटर और हॉर्न, यहाँ पर आपको बार एंड भी मिल जाते हैं। इसके साथ ही इसके माइलेज की बात करें तो 60 से 65 किलोमीटर प्रति लीटर का इस बाइक में आपको इकोनॉमी में माइलेज मिल जाता है। यहाँ पर आपको किक स्टार्ट ब्रेक पैड 160 mm की, यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, यहाँ पर कैटेलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है, इंजन ऑयल का कैप मिल जाता है, FI सिस्टम मिलता है। इसमें दिया है 124 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रॉक BS6 FI इंजन, जो 10.8 PS की पावर देता है 7500 RPM पर और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM पर। 105 किलोमीटर प्रति घंटे की इस बाइक में आपको टॉप स्पीड मिल जाती है। यह 125 सीसी की एक ऐसी इकलौती बाइक है जो अपने इंजन के बलबूते पर सबसे ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइन है और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। इसके साथ ही एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको मफलर गार्ड मिल जाते हैं, जिसमें आपको मेटल के साथ साथ क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। पीछे में आपको एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन यूज किया गया, जिसमें आपको रेड कलर की स्प्रिंग मिल जाती है। इसके रियर में भी आपको 80/118 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। कंपनी अगर इसको 100/80 सेक्शन कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। अगर आप इसकी पीछे वाली ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो आगे वाली ब्रेक भी इसके साथ एक साथ अप्लाई होती है, जैसा कि इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप दिया गया है।
रियर अपडेट की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल दिया गया है। अपडेट के साथ यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है विदाउट कलर कोटिंग के। हेलोजन टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है। पीछे में आपको ज़्यादा कुछ अपडेट देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ ही इस बाइक का जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो टायर है वो काफ़ी पतला है, जिससे ये जो बाइक है वो काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल कर देती है। लेकिन लोगों की जो डिमांड है कि इसका जो टायर है वो ज़्यादा पतला ना हो। तो दोस्तों मैं आपको इसकी सीट को यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसकी सीट के अंदर की साइड में आपको क्या कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ से मैंने इसकी सीट को ओपन कर दिया है और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो पिलियन वाला जो कम्फर्ट है वो यहाँ पर आपको थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि इसके पिलियन वाली जो पीछे की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम मिलती है, जबकि राइडर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी कुशन के साथ काफ़ी अच्छी थिकनेस के साथ मिल जाता है। यहाँ पर फाइबर बॉडी का पीछे वाला मडगार्ड है, यहाँ पर एयर फिल्टर दिया गया है, इसके साथ यहाँ पर फर्स्ट एड किट दी गई है। इसी में आप अपने डॉक्यूमेंट को बाइक के को आसानी से रख सकते हैं। दोस्तों इसकी डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लंबाई है 2020 mm, इसकी हाइट है 1103 mm और इसका व्हील बेस है 1285 mm का। लेडी पिलियन की सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का कंपनी फिटेड साड़ी कार्ड दिया गया, जिसमें आपको थोड़ा सा फाइबर का यूज किया गया है। एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं फुली रबर ग्रिपिंग के साथ और पीछे वाला मडगार्ड भी आपको फुली फाइबर बॉडी का मिल जाता है। यहाँ पर आपको डायमंड फ्रेम मिलता है, इसके साथ ही यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। गियर की बात करें तो इस बाइक में आपको 5-speed गियर बॉक्स मिलता है, जिसमें आपको 5 gear मिलते हैं और साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कटऑफ का सेंसर फीचर्स मिल जाता है। अगर बाइक गियर में होती है, साइड स्टैंड डाउन होता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। जैसे कि इस बाइक अभी न्यूट्रल में है और साइड स्टैंड डाउन है, जैसे ही मैं बाइक को स्टार्ट कर देता हूं और जैसे ही इसमें क्लच को दबाकर मैं गियर को डालता हूँ, इंजन इसका तुरंत बंद हो जाता है, तुरंत कट ऑफ हो जाता है, जो सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी फीचर्स है। प्राइस और फाइनेंस के बारे में बात करें तो SP125 डिस्क ब्रेक की एक्सोरूम कीमत है 1,03,427 रुपये, ड्रम ब्रेक की ऑन रोड कीमत है 99,021 रुपये। अगर आप इसको फाइनेंस कराते हैं तो 20,000 की आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, 12 महीने की EMI आएगी 7,295 की, 18 महीने की EMI आएगी 5,098 की, 24 महीने की किस्त आएगी आपकी 4,000 की, 36 महीने की किस्त आएगी आपकी 2,906 रुपये की। ये कीमत मैंने आपको बताई है Cloud9 होंडा टू व्हीलर शोरूम जयसुर रोड मध्यम ग्राम कोलकाता की। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं इस बाइक की तो सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।